स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। लास्ट टाइम हमने सेशन कंडक्ट किया था शनिवार के दिन, और वहाँ पर हमने डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ कि गुरुकुल कंपनी है क्या, गुरुकुल कंपनी करती क्या है, और किस तरीके से हम सर्विस वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार अपने सभी लोग मिलकर एक रिव्यू कर लें कि लास्ट टाइम जिस सेशन के अंदर हमने बातचीत किया था तो क्या क्या चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई थी। यस, वन बाय वन आपको बताना है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं हम लोग, और हम लोग ट्रेनिंग नहीं देते, हम लोग वर्कशॉप प्रोवाइड करवाते हैं। और उसके बाद जो हमारा एक नया मॉड्यूल हमारी कंपनी में ऐड हुआ है वो है काश, नॉलेज एटीट्यूड स्किल्स और हैबिट, उसका फुल फॉर्म। और टीम प्रोग्राम के बारे में है, गोल क्या होता है, मंत्रास क्या होते हैं, हमारा विजन क्या है, बिहेव क्या है, और ये सब होना जरूरी होता है तो ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। ग्रेट, यस मैम। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि गुरुकुल आखिर क्या करता है, बिजनेस में आगे ग्रो कैसे करते हैं, उसके बारे में देखा था। फिर सर्विस के बारे में देखा, फिर विजन मिशन और गोल के बारे में सिर्फ बात की, क्योंकि डिटेल में बात नहीं हुई। और फिर टीम डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसमें कार्य जो हम आगे से शुरू करने वाले हैं किया नहीं, उसका फुल फॉर्म नॉलेज एटीट्यूड स्किल है भी उसका ऐसा फुल फॉर्म है। और प्रोडक्ट कोर्स कंसल्टिंग उसके बारे में लास्ट में बात की। ओके, मतलब अभी तक यहाँ हमने देखा अबाउट गुरुकुल के गुरुकुल है क्या, गुरुकुल किस थॉट से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आगे चलकर हमने देखा कि गुरुकुल का विज़न क्या है, उस विज़न को आपके साथ किस तरीके से आपको अलाइन करना है। उसके बाद हमने बात किया विज़न, मिशन, गोल, वैल्यूज़, वैल्यूज टैगलाइन, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन की। फिर हमने बात किया कि गुरुकुल शुरू क्यों हुआ था और किस थॉट के साथ स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमने बात किया कि गुरुकुल की सर्विसेज क्या है, उस सर्विसेज के अंदर हमने देखा था कि हम ट्रेनिंग में क्या करते हैं, और उसके बाद हमारी बात आई थी हम कंसल्टिंग में क्या करते हैं। तो लास्ट जो हमारी डिस्कशन हुई थी वो कुछ ऐसी हुई थी कि कंसल्टिंग के अंदर हम जो प्रोसेस करते हैं वो इतनी करते हैं। एक कंसल्टिंग किसको कहते हैं, कंसल्टिंग का डेफिनेशन क्या होता है वहाँ तक हमने देखा, उसमें हम लोगों को हेल्प किस तरीके से करते हैं वो हमने देखा, हमारी प्रोडक्ट क्या है वो हमने देखा, और लास्ट में हमारा जो PPT जहाँ पर हमने क्लोज किया था फर्स्ट सेशन हमारा, तो वो हमने क्लोज किया था यहाँ पर। यस, ओके। तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ों के ऊपर बात की थी कि पर्सनल काउंसलिंग हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को, फिर हमने बात किया था HR कंसल्टिंग हम देते हैं, सेल्स कंसल्टिंग हम देते हैं, बिजनेस कंसल्टिंग हम देते हैं, और स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग देते हैं। तो आज हम यहाँ पर डीपली बात करेंगे कि ये सारी चीज़ों के अंदर हम एक्चुअल में देते क्या और करते क्या। तो क्या आप लोग तैयार हैं? ग्रेट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि पर्सनल काउंसलिंग क्या होता है और पर्सनल काउंसलिंग में हम करते क्या है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग जो है वो ये इतनी चीज़ें लिख लीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पहले लिखना कर लो, उसके बाद फिर यहाँ बात करेंगे। मोल जी आप बैठ जाइए, अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो खड़े होइए। तो पहला क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम पर्सनल काउंसलिंग में क्या करते हैं, बिजनेस एनालिसिस और बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस एनालिसिस और बिजनेस प्लानिंग का मतलब ये होता है कभी भी कोई बिजनेस जब अपने साथ जुड़ता है तो हमें पता नहीं होता है कि उनका बिजनेस क्या है, वो किस तरीके से अपने बिजनेस को चला रहे हैं, क्या क्या उनकी चैलेंजेस आ रही है, क्या उनका फ्यूचर का प्लानिंग है। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें सबसे पहले उनका एक एनालिसिस करना होता है। और हमारे गुरुकुल के साथ जुड़े हुए जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सबसे पहला काम ये करते हैं कि हर कंपनियों के अंदर जाकर सबसे पहले वो एनालिसिस करते हैं। तो ये एनालिसिस जो होता है वो सेल्स के प्रोस्पेक्टिव से होता है, दूसरा एनालिसिस होता है कंसल्टिंग की सर्विस के प्रोस्पेक्टिव से। पहला एनालिसिस जो होता है उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आंसर्स हम करते हैं, और सेकंड वाला जो एनालिसिस होता है वो डीप एनालिसिस होता है, जहाँ पर अपने ऑनर के बारे में, उनकी कंपनी के बारे में, उनके टीम के बारे में और उनके कस्टमर्स के बारे में हम जानते हैं।
और वो पूरा एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और रिपोर्ट का ये सारांश रहता है कि आप जो आपके वहाँ सिस्टम और मैनेजमेंट 100% चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि कितना परसेंटेज आपके वहाँ सिस्टम और मैनेजमेंट है और कितना परसेंटेज नहीं है। मैं बात कर रहा था यहाँ पर बिजनेस एनालिसिस और बिजनेस प्लानिंग। तो बिजनेस एनालिसिस मैंने आपको क्लियर किया कि हम दो तरीके से करते हैं, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो एनालिसिस कंप्लीट होने से हमें ये पता चलता है कि सामने वाली कंपनी है उसमें सिस्टम और मैनेजमेंट कितना प्रतिशत है। उसके बाद हम दूसरा एक काम ये करते हैं, हम उनके पूरे बिजनेस का प्लान बना कर देते। तो बिजनेस का प्लान बना कर देने का मतलब ये होता है उनकी कंपनी का आने वाले 5 साल का क्या विज़न है, क्या मिशन है, क्या गोल है, क्या वैल्यूज एंड बिलीव्स है और क्या उनकी टैगलाइन रहेगी, उस तरीके से पूरा विज़न मिशन हमारा तैयार होता है। मतलब किसी भी कंपनी को 5 साल में कहाँ जाना है वहाँ तक ले जाने का पूरा प्लानिंग जो होता है वो प्लानिंग हम उनका करके देते हैं। सेकंड टाइप के अंदर आएगा यहाँ पर लीडरशिप कोचिंग। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं पर्सनल काउंसलिंग में, उन सभी लोगों का हम LDP प्रोग्राम के अंदर उनको इन्वाइट करते हैं। तो LDP प्रोग्राम के अंदर जब कोई आता है तो वहाँ पर उसको क्लियर होता है एज अ लीडर मुझे क्या करना है, मुझे मेरी टीम से किस तरीके से काम लेना है और मुझे पूरे बिजनेस को कैसे सेट करना है। और वो कंप्लीट होने के बाद लीडरशिप कोचिंग के अंदर होता ये है कि लीडर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग होती है और उनको क्या चैलेंजेस आ रही है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो कहाँ पर रुक रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है, उनसे क्या नहीं हो रहा है, वो सब कुछ जानकर उनको वहाँ पर गाइडलाइन दिया जाता है। तो ये कस्टमाइज रहता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रहता है। और लास्ट में हम करते हैं पर्सनल काउंसलिंग। तो पर्सनल काउंसलिंग के अंदर ऐसा होता है कई जगह सिंगल पर्सन होते हैं ऑथराइज, कई जगह 2 होते हैं 4 होते हैं 10 होते हैं। तो वहाँ पर पर्सनल काउंसलिंग के अंदर हम लोगों के साथ 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं। एक होता है ग्रुप डिस्कशन, एक होता है 1-to-1 डिस्कशन। तो दोनों के अंदर हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर लोगों के बीच में क्या गैप आ रहा है और उस गैप को भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को क्लियर करने का काम पर्सनल काउंसलिंग के अंदर किया जाता है। मतलब पर्सनल काउंसलिंग जो होता है वो मिनिमम 3 महीने की सर्विस होती है और 3 महीने की सर्विस में 3 प्रोसेस होती है जो आप लोगों के सामने, और ये प्रोसेस का आउटकम ये होता है कि जो ऑनर्स होते हैं उनको पता चल जाता है मेरी कंपनी का विज़न क्या है, दूसरा उनको ये पता चल जाता है मेरी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, तीसरा उनको ये पता चल जाता है मेरा रोल क्या है, और वहाँ तक उनको क्लियर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है। और ये किन लोगों के लिए है जिनके वहाँ टीम है ही नहीं, खुद ही लड़ रहे और खुद ही कर रहे, तो उन लोगों को गाइड करने का काम है ये सर्विस में हम करते हैं। और जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे का है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख तक का है, जहाँ पर एक नहीं है 2 लोग हैं लेकिन दोनों के दोनों ऑनर हैं और वो खुद ही कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सर्विस है। इसकी फीस मिनिमम हमारी होती है 2 लाख रुपए। मिनिमम 2 लाख से अपने स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम 3 लाख तक जाते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है HR कंसल्टिंग, सेकंड अपना पॉइंट। कंसल्टिंग इसलिए डीपली मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में गुरुकुल को रिप्रेजेंट करना रहेगा एज अ कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंसी को ही हमें अपना USP बनाया हुआ है और उसी को हमें बड़ा करना है। तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप मार्केटिंग कर रहे हो, जब आप कॉलिंग कर रहे हो, जब आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, मतलब जो टास्क आपको मिल रहा है उस टास्क को करने के टाइम कोर आपका क्लियर होना चाहिए कि हम कंसल्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं। बराबर। सेकंड पार्ट उसके अंदर आएगा HR कंसल्टिंग। HR कंसल्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, टीम एनालिसिस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, टीम हायरिंग सपोर्ट करते हैं, HRM करके देते हैं, JD KRA पॉलिसी PMS और टीम की ट्रेनिंग के 3 सेशन करते हैं। ओके। अब ये प्रोसेस के अंदर सबसे पहला देखा जाता है जिनके वहाँ मिनिमम 10 लोगों की टीम होनी चाहिए। HR कंसल्टिंग किन लोगों के लिए है, जिसकी टीम मिनिमम 10 लोगों की है या 10 से ज़्यादा लोगों की है। लेकिन दूसरा उनका चैलेंजेस ये है कि उनके वहाँ HR नहीं है, ओनर खुद ही HR की प्रैक्टिस कर रहा है उस कंपनी के अंदर, तो उनको ये सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं।
जिसमें होता क्या है कि जैसे 10 लोगों की टीम होती है, तो एक बिजनेसमैन या एक पर्सन की क्षमता होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों को हैंडल कर सकता है, उससे ज़्यादा देखने जाए 10 लोगों को हैंडल कर सकता है, उससे ज़्यादा उन लोगों को हैंडल नहीं कर सकता है। फिर उसको चाहिए सिस्टम, और उस सिस्टम को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ता है उनकी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के अंदर ऑनर जो होते हैं उसका माइंडसेट अलग होता है और वो विजन को अचीव करना चाहते हैं, और उनके वहाँ जो टीम होती है उनका काम करने का मोटिव होता है सैलरी, और उनका प्रोस्पेक्टिव कुछ और होता है कि यहाँ से थोड़ा जंप ले लूँ, फिर दूसरी जगह चला जाओ, वहाँ से थोड़ा जंप ले लूँ, तीसरी जगह चला जाओ। मतलब वो क्लियर नहीं होते हैं कि इस कंपनी को 5 साल 10 साल मुझे क्यों देना है। और बहुत सारे जगह पर टीम के अंदर लोगों में पोटेंशियल होता है, विजडम होता है, कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन कभी वो ऑनर के साथ आमने सामने बैठते नहीं, तो वहाँ पर क्या कम्युनिकेशन का गैप होता है, और वो गैप इतना बढ़ जाता है कि आपस में बातचीत न होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन बातचीत या मीटिंग न होने के कारण वो सॉल्व नहीं होते, और वो छोटे छोटे प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ा स्वरूप ले लेते हैं और वो बड़े प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले उनकी टीम को मिलकर उनके टीम का एक एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस में हम उनको क्या पूछते हैं, उस एनालिसिस में हम पूछते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी राय क्या है कंपनी को लेकर, आप आने वाले टाइम में कंपनी को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको कंपनी में क्या 5 चीज़ें अच्छी लगती है, क्या 5 चीज़ें ऐसी लगती है जिसको बदलने की ज़रूरत है। और फिर हम उनको ये पूछते हैं कि टीम के अंदर आप बताइए किसका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, और आपको अगर आने वाले टाइम में अगर मौका मिले कि पूरी कंपनी को अगर आपको लीड करना है तो ऐसी 5 चीज़ें या ऐसी 3 चीज़ें बताइए जिसको आप बदलना चाहोगे और क्यों बदलना चाहोगे, ये आप बताइए। तो ये पूरा जब उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है तो वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि टीम के अंदर काम करने वाले लोगों में क्या दिक्कतें हैं, क्यों वो ग्रो नहीं हो रहे, उसकी वजह क्या, उसका पूरा एक एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार होता है। और वो रिपोर्ट लेकर जब हम ऑनर के सामने बैठते हैं तो 50% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती है जो ऑनर को पता होती है, और 50% चीज़ें सरप्राइज होती है जो कभी उसने सोचा ही नहीं होता है कि मेरे वहाँ काम करने वाले लोग ऐसा सोचते मेरे बारे में, कंपनी के बारे में, टीम के बारे में। तो वो उनको क्लियर होता है और वो गैप जो है वो वहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट फिर हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब एक से ज़्यादा लोग काम करने वाले होते हैं तो वहाँ पर अधिकतर ये होता है एक ही काम को 2-3 लोग मिलकर करते हैं, और जब एक ही काम को 2-3 लोग मिलकर करते हैं, जैसे अभी अपनी बात हुई, स्पीकर है उसका चार्जिंग नहीं हो रहा है, अभी बात हुई तो उसका रिजल्ट निकल, तो ये हमने कभी भी किसी को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ही नहीं है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जब जिम्मेदारी किसी को दी नहीं जाती है तो होता क्या है, सबको लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में कंपनी में होता कुछ नहीं है। क्योंकि क्या, हर एक बंदे को अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर ही नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर होता ये है, हर पर्सन को अपना रोल एंड हर पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती कि आपकी ये पोजीशन है और उस पोजीशन के ऊपर आपको ये चीज़ें करनी है और उस चीज़ों के लिए जिम्मेदार आप हो, उसका आंसर कंपनी आपसे लेगी। तो ये यहाँ पर क्लियर होता है। उसके बाद आता है टीम हायरिंग सपोर्ट। सौराष्ट्र के अंदर और बहुत सारी कंपनियों के अंदर हमने देखा है ऑनर का इंटरव्यू लेने का कोई प्रोसेस होता नहीं है, MSME कंपनियों में इसकी प्रैक्टिस ही नहीं होती। ज़्यादातर लोग बोलते क्या है, तो एक बार आ जा फिर हम देख लेंगे, ये डायलॉगबाजी होती है जब हायरिंग की बारी आती है तो। और फिर क्या होता है, 2-3 साल के बाद एक दूसरे को वो देखते रहते, होता कुछ नहीं। और ये होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हायरिंग का एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए, और ये प्रोसेस क्या होना चाहिए कि डेटा कलेक्शन हम कैसे करेंगे, पहले कैसे लोगों तक हमें जानना है, तो वो हमें सबसे पहला एक प्रोसेस करना होता है। जब हायरिंग की पोजीशन आती है तो मिनिमम 3 या 4 स्लॉट में उनके इंटरव्यूज होने चाहिए, राउंड होने चाहिए। तो पहला राउंड होना चाहिए किसके साथ,
एचआर के साथ, सेकंड राउंड होना चाहिए किसके साथ, एचआर और जिस डिपार्टमेंट के जो हेड है एचओडीज है उनके साथ, तीसरा राउंड किसके साथ होना चाहिए, एचआर भी हो एचओडीज भी हो और डायरेक्टर भी हो। तो ये तीन राउंड जब कंप्लीट होते हैं और चौथा राउंड आप बोल सकते हो फाइनल इंटरव्यू या फाइनल कॉल या टेलीफोनिक इंटरव्यू जो पहले होना चाहिए। तो मिनिमम तीन चार राउंड जब कंप्लीट होते हैं तब हम किसी को जज कर पाते हैं। जैसे कि शादी अगर करनी हो तो शादी से पहले क्या होता है, डेटिंग होती है। क्यों? कि अगर पूरी ज़िंदगी किसी के साथ निकालनी है तो पहले मुझे जानना तो पड़ेगा कि सामने वाला है कैसा है किस तरीके से है। तो उसी तरीके से कंपनी के साथ अगर किसी को 5 साल 10 साल अगर हमें निकालने हैं तो पहले उसके बारे में जानना तो पड़ेगा। तो वो जानने के लिए करना क्या पड़ता है, सही क्वेश्चनिंग। तो जब हम इंटरव्यू के अंदर होते हैं हमारे पास राइट डाउन होने चाहिए कि हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या क्या सवाल पूछने हैं, और उनके फील्ड से रिलेटेड वो क्वेश्चन होने चाहिए। जहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, कैंडिडेट का स्किल क्या है और उसका विल क्या है। अगर उसके पास स्किल है तो वेल एंड गुड, और अगर उसके पास स्किल नहीं है तो हम उसको ट्रेनिंग में सिखा देंगे। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वो होना चाहिए विल। और विल का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, क्योंकि ये कोई दुकान में नहीं मिलती है, ये आपको इनबिल्ड करनी होती है। और इच्छा शक्ति का मतलब क्या, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ग्रोथ होना है। तो जिन लोगों का ये इच्छा शक्ति होती है या इस तरीके का माइंडसेट होता है ना, वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर देखा जाता है। फिर जिस पर्सन को हमें लेना है उसका जेडी और केआरए पहले से बना हुआ होना चाहिए कि सेल्स डिपार्टमेंट में आ रहा है तो इसका ये काम है और इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंट डिपार्टमेंट में आ रहा है तो इसका ये काम है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्विस डिपार्टमेंट में आ रहा है तो इसका ये काम है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लास्ट में उसको फाइनलाइज करने से पहले कंपनी के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन उसको बताए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कंपनी की एचआर पॉलिसी। तो जब कोई बंदा ज्वाइनिंग करता है उसको पढ़ाया जाता है कि यहाँ काम करने की ये प्रैक्टिस है, और उसके बाद आता है वो जो डिपार्टमेंट को लीड करना चाहता है या जिस डिपार्टमेंट में वो काम करना चाहता है उसका एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, कि मैं जिस डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ वहाँ पर मुझे करना क्या और कैसे करना। एचआरएम प्रैक्टिस के अंदर हम बनाते हैं सामने वाले बंदे का जेडी, जो मैंने आपको बता दिया जॉब डिस्क्रिप्शन काम क्या करेगा। केआरए के अंदर आएगा की रिजल्ट एरिया, उसको क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके हमें देना है। उसके बाद हम उनका बनाते हैं पॉलिसीज, छुट्टी की पॉलिसी, कपड़े पहनने की पॉलिसी, बातचीत करने की पॉलिसी, हर चीज़ों की पॉलिसी बननी जरूरी है। और ये सारी पॉलिसी हम बिल्ड करते हैं। बहुत सारी कंपनियों में पॉलिसी न होने के कारण मनमानी होती है, लोग अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं। और उसके बाद आता है पीएमएस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। हर बंदा चाहता है कि किसी कंपनी के साथ जब मैं जुड़ूं तो 6 महीने साल भर में मेरा ग्रोथ हो, 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर मेरा ग्रोथ हो। तो उसका ग्रोथ जो है उसको ट्रैक कहाँ से कर पाएंगे, उसके पीएमएस। तो पीएमएस क्या बताएगा, उसका परफॉर्मेंस क्या है। तो पूरे साल के एंड में बहुत सारी कंपनियों के अंदर देखा जाता है ओनर लोगों की सैलरी मिनिमम 5% से 10% बढ़ा देते हैं, फिर अगले ने काम किया है तब भी ठीक, नहीं किया है तब भी ठीक। तो जिसका नॉन परफॉर्मेंस होता है उसको तो बल्ले बल्ले हो जाता है क्योंकि उसका तो बढ़ गया, लेकिन जिसने परफॉर्म किया होता है ना उसको दर्द होता है कि मेरा भी 1000 बढ़ा, इसका भी 1000 बढ़ा, इसने कुछ नहीं किया मैंने बहुत कुछ किया। तो पीएमएस होने के कारण क्या होगा, एग्जैक्टली आपको क्राइटेरिया पता चलेगा कि जिसका परफॉर्मेंस खाली 50% है उसका कोई ग्रोथ नहीं है, जिसका परफॉर्मेंस 50 से 60% है उसको 5% का ग्रोथ मिलेगा, जिसका परफॉर्मेंस 60 से लेकर 70 है तो उसको 5 से लेकर 10% का ग्रोथ मिलेगा, जिसका 70 से लेकर 80 है उस पर्सन को हो सकता है प्रमोशन मिले।
और जिसका 80 से लेकर 90 तक पहुंच गया है उसको डेफिनेटली प्रमोशन प्लस बोनस मिलता है या एक्स्ट्रा कुछ मिलता है। और इस तरीके से जब हर एक इंसान का परफॉर्मेंस उसके साथ वैल्यूएशन किया जाता है तो उसको पता चलता है मेरी कंपनी में मेरा स्कोर बोर्ड क्या है। क्रिकेट आप लोग देखते हो तो क्रिकेट में जब भी प्लेयर को सिलेक्ट करने की बारी आती है तो क्या देखा जाता है? फिटनेस, फिर पास में उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड में क्या काम किया है और वो सारी चीजें बताता है, उसका रन रेट क्या है, उसका एवरेज क्या है। तो उसी तरीके से हर एक पर्सन का एवरेज उसको पता होना चाहिए और कंपनी को पता होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में आता है ट्रेनिंग, क्योंकि जहाँ कभी ट्रेनिंग हुआ ही नहीं है, जहाँ कभी किसी को ट्रेनिंग मिला ही नहीं है, तो उस बंदे ने सब कुछ किया होता है अपने हिसाब से। तो कुछ चीज़ें उसकी सही भी होती है और कुछ चीज़ें उसकी गलत भी होती है। तो ट्रेनिंग में आने से टीम को ये क्लियर हो जाता है कि अब मुझे यहाँ से आगे जाना है तो मुझे एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है। और ये ट्रेनिंग मॉडल पूरा माइंडसेट के ऊपर होता है। जैसे कि हर ट्रेनिंग में हम बताते हैं दो तरीके के माइंडसेट वाले लोग होते हैं हर कंपनी में। एक माइंडसेट होता है फिक्स माइंडसेट या 20वीं सदी का माइंडसेट। तो उसकी सोच कैसी होती है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे टाइम पर तनख्वाह चाहिए, कंपनी को जो करना है वो करे, ये वाला एक माइंडसेट होता है। और दूसरे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि कंपनी को ग्रो करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी तो मैं तो ग्रो करने वाला हूँ, ये पक्का है। क्लियर? तो ये ट्रेनिंग से हम उनको गाइड करते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। फिर हम आते हैं सेल्स कंसल्टिंग। तो सेल्स कंसल्टिंग के अंदर क्या होता है? सेल्स कंसल्टिंग के अंदर इतनी चीजें हम करते हैं। लिख लीजिए, सेल्स कंसल्टिंग में सबसे पहले होता है सेल्स एनालिसिस। हर एक कंपनी को ग्रो होना होता है, उसके लिए ज़रूरी होता है उसका सेल्स। लेकिन बहुत सारी कंपनी ग्रो नहीं हो पाती है क्योंकि सेल्स की कोई सिस्टम ही नहीं होती। आज सुबह एक कंपनी के अंदर मैं गया था जिसका टर्नओवर पिछले साल का 2 लाख था, इस साल का 8 लाख है और आने वाले टाइम में वो 1 करोड़ का करने वाले। तो उस कंपनी का जब सेल्स का पूरा फनल मैंने देखा तो उनका सेल्स का कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब काम करने का कोई तरीका ही नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से बना लिया है। लेकिन वो राइट है कि नहीं है उनको कोई पता नहीं है। तो वो पूरे तरीकों को समझने के लिए हम पूरा सेल्स एनालिसिस करते हैं। तो सेल्स एनालिसिस में पता ये चलता है कि कंपनी सेल्स करने के लिए कितनी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रही है और कितनी चीज़ों की प्रैक्टिस वो नहीं कर रही है। फिर हम ये जानते हैं कि उनका सेल्स नहीं बढ़ रहा है तो उसकी वजह क्या है। कई जगह मार्केट के अंदर प्रोडक्ट अच्छी होती है तो सेल्स बढ़ता नहीं है, कई जगह सेल्स बढ़ गया होता है प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती है, कई जगह टीम नहीं होती है तो सेल्स नहीं बढ़ता है, कई जगह टीम होती है फिर भी सेल्स नहीं बढ़ता है, कई जगह मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग होता ही नहीं है तो सेल्स बढ़ने का सवाल ही नहीं है, कई जगह मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करने के बावजूद भी सेल्स नहीं बढ़ता है। तो एक्स वाई जेड बहुत सारे रीज़न ऐसे होते हैं जिससे उनका सेल्स जो है वो ग्रो नहीं होता है। और सेल्स अगर मैं आपको बताऊं तो हर एक बिजनेस के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी है, वो सेल्स का रोल रहता है, क्योंकि सेल्स से ही रेवेन्यू आता है, सेल्स से ही सारे खर्चे निकलते हैं और सेल्स से ही कंपनी को प्रॉफिट होता है। और वो अगर प्रॉपर ना हो तो तब कुछ भी काम का नहीं। तो वो उसमें क्या क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है, उसके ऊपर हमारी पूरी डिस्कशन होती है, एनालिसिस करके एक रिपोर्ट दिया जाता है। फिर हम आते हैं कि उनको मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मार्केटिंग और ब्रांडिंग को एक समझती है और बहुत सारी कंपनियां मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेल्स को भी एक समझती है। तो ये मिथ जो होता है उसको हम बाहर निकालते हैं और उनको बोलते हैं कि सर आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना है। मार्केटिंग इसलिए करना है क्योंकि मार्केटिंग जो है वो बीच बोने का काम करता है, मार्केटिंग इसलिए करना है कि लोगों तक आपका प्रचार हो, और ब्रांडिंग इसलिए करना है कि आने वाले टाइम में आपकी एक ब्रांड बने तो लोग आपको अपने नाम से जाने। तो उसकी पूरी स्ट्रेटजी हम उनको बनाकर देते हैं
कि मार्केटिंग में उनको डिजिटल क्या करना है, फिजिकल क्या करना है, ब्रांडिंग करने के लिए उनको कौन से इवेंट करने हैं, अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लाना है, अपना सर्विस कैसे इंक्रीज करना है, पूरी कंपनी के अंदर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कैसे करना है। क्योंकि आप अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आप भी किसी कंपनी के ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर्सन हो, क्योंकि आपका पूरा गेटअप जो है वो सामने वाले बंदे को प्रेजेंट करेगा कि गुरुकुल क्या है। समझ रहे? तो हर जगह मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग होता है, हर जगह। तो उन सभी चीजों को डेवलप करने का काम हम किसी कंपनी के साथ करते हैं। उसके बाद आगे आता है टीम ट्रेनिंग। यहां पर भी लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। तो सेल्स के अंदर अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। रिटेल सेल्स होता है, तो रिटेल में कैसा होता है, काउंटर पर सेल होता है। दूसरा होलसेल होता है, तो होलसेल में सेल्स कैसा होता है, टेलीफोनिंग होता है या फील्ड पर जाकर होता है। और तीसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग का सेल्स, तो मैन्युफैक्चरिंग का सेल्स कैसे होता है, B2B होता है। तो अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके के सेल्स की ट्रेनिंग भी अलग अलग होती है। ऑनलाइन सेल्स अलग होता है, ऑफलाइन सेल्स अलग होता है, तो उसके हिसाब से हम पूरा कस्टमाइज उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 6। उसके बाद हम उनकी सेल्स की सिस्टम डेवलप करते हैं। सेल्स की सिस्टम को डेवलप करने का मतलब, सेल्स में जो भी पर्सन आया है उसके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए हर चीजों की, उसका काम करने का जो तरीका है उसका SOP होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा जरूरी है, सेल्स करने के लिए उसके पास सेल्स की किट होनी चाहिए, सेल्स के टूल्स होने चाहिए। ज्यादातर लोग सेल्स करते हैं किस चीज के ऊपर, अपनी कलाकारी के ऊपर, और बहुत कम लोग सेल्स करते हैं उसके साइंस के ऊपर, क्योंकि सेल्स आर्ट भी है और सेल्स साइंस भी है। तो उसको डीपली हम यहाँ क्लियर करते हैं, और उनके वहाँ जो सिस्टम नहीं होती है उसको डेवलप करने का काम हम करते हैं। किसी कंपनी के अंदर सेल्स करने की एक प्रोसेस उनको डेवलप करनी है, लेकिन वो ये रहा है, डेटा आ रहा है, फोन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, लेकिन फॉलोअप नहीं हो रहा है, टाइम पर फॉलोअप नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करके एक टूल बनाकर उनको देते हैं, और उस टूल्स के अंदर जब कोई बंदा कॉलिंग करता है वो अपने इनपुट डालता है, जब कोई बंदा मीटिंग करता है तो उसके इनपुट डालता है, और लास्ट में उसके रिमार्क्स होते हैं। तो मंथली मीटिंग के अंदर और वीकली मीटिंग के अंदर हम उनको बताते हैं कि इस कॉल के ऊपर अब आगे आपको क्या एक्शन लेना है। तो वहां से उनको एक क्लियरिटी मिलती है कि बहुत ज्यादा टाइम हमें नए कस्टमर के पीछे नहीं बिताना है, हमें पुराने कस्टमर का फॉलोअप लेना है। और उसके बाद लास्ट में आता है कस्टमर मैनेजमेंट। हर कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, पुराने कस्टमर जुड़ते हैं, नए कस्टमर छूट जाते हैं। तो वहां पर एक CRM प्रोसेस डेवलप करनी होती है। तो वो CRM प्रोसेस को कैसे डेवलप किया जाता है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, वो करने के लिए हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। 3-4 कंपनियों के अंदर हमने डीलर मीट की है, 3-4 कंपनियों के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूटर मीट की है, 3-4 कंपनियों के अंदर हमने कस्टमर मीट किया हुआ है। तो जिसका जिस तरीके से वर्क होता है उसके हिसाब से हम उनको कस्टमाइज सपोर्ट करते हैं। और ये पूरी चीज़ें होती है कस्टमर मैनेजमेंट को लेकर। कई कंपनियों के अंदर वो डेटा ही मैनेज नहीं करते, कस्टमर आता है, खरीदता है, चला जाता है, उसका डेटा ही नहीं है उनके पास। तो उनको जब मार्केटिंग करना होता है तो नई नई जगह करते, पुराने लोगों को रिपीट करते ही नहीं। और कई जगह होता है कि कस्टमर का रिटर्न रेशियो खाली 0% या 1% या 2% होता है, तो वो सबसे गलत चीज़ है। उनका रिटर्न रेशियो ऑलवेज होना चाहिए और साथ में नए कस्टमर भी ऐड होने चाहिए। तो वो पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर डेवलप करते हैं। उसके बाद आता है बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग। लिख लीजिए, बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग जो है, उससे पहले ये लिख लीजिए कि सेल्स कंसल्टिंग जो है वो 6 महीने की होती है, और सेल्स कंसल्टिंग हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम 5 लाख से, 3.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख के बीच में इसका अमाउंट होता है, मिनिमम 3.5 लाख और मैक्सिमम 5 लाख, और 5 लाख के ऊपर भी जा सकता है, कस्टमाइज भी जा सकता है।
प्राइसिंग जितने भी मैंने अभी तक आपको कोट किए हैं ये सारे कस्टमाइज होते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, बिजनेस एनालिसिस एंड बिजनेस प्लानिंग। तो जो आगे मैंने आपको शेयर किया वही चीज़ यहाँ पर होगी कि फिर से उनका एनालिसिस होगा, टीम का, कंपनी का, ऑनर का और कस्टमर का, उसका रिपोर्ट तैयार होगा। सेकंड के अंदर होगा बिजनेस प्लानिंग, 5 साल 10 साल का कंपनी का विज़न प्लान होगा, तो विज़न बोर्ड बनता है। और बहुत सारी कंपनियों में विज़न बोर्ड बनाने के बाद उसको हम लॉन्च भी करते हैं और लॉन्चिंग की इवेंट भी हमारी होती है, बराबर। सेकंड पार्ट के अंदर आता है लीडरशिप कोचिंग, यहाँ पर हम फिर से लोगों को LDP करवाते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कोचिंग के अंदर जैसे जैसे हमारी मीटिंग होती है, क्योंकि कंसल्टिंग में हमारी वीकली मीटिंग होती है, तो वीकली मीटिंग में कुछ बार हमें ऑनर्स को मिलना होता है, कुछ बार हमें उनकी टीम को मिलना होता है। तो जब जब ऑनर के साथ मीटिंग होती है उसको जो चैलेंजेस आती है उसका सॉल्यूशन होता है, या उसको जो गाइडलाइन की ज़रूरत होती है वो गाइडलाइन हम प्रोवाइड करते हैं। थर्ड के अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया बराबर कि पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या आता है, सबसे पहले कंपनी, फिर उसको चलाने वाले डायरेक्टर्स, उसके बाद उसके मैनेजर्स और उसके बाद डिपार्टमेंट, और सब डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले HODs उनके अंदर में टीम। तो ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। फिर होता है HR मैनेजमेंट, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया JD, KRA, PMS, वो सारी चीज़ें यहाँ डेवलप होती है। फिर यहाँ से ट्विस्ट आता है, हम यहाँ पर सेकंड लाइन डेवलप करके देते हैं। बहुत सारी कंपनियों के अंदर ऑनर जब खुद होते हैं तो काम बेहतर चलता है, ऑनर खुद नहीं होते हैं सारा काम ठप हो जाता है। क्यों? क्योंकि सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर ने खुद की रखी हुई होती है, तो हर चीज़ें पूछकर की जाती है ऑनर को। तो जब हम सेकंड लाइन यहाँ पर बिल्ड करते हैं तो क्या करते हैं, उनके नीचे में से जो अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग हैं उसको आगे लाते हैं, उसको मैनेजर बनाते हैं और उसको बताते हैं कि आप ऑनर को रूटीन से फ्री करो। उसके लिए उनको लिमिटेड अथॉरिटी और लिमिटेड लायबिलिटी के साथ हम उसको सारी चीज़ें देते हैं, और उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद ऑनर जो है वो रूटीन से फ्री हो जाता है। ये हम वहाँ पर करवाते हैं। उसके बाद होता है सिस्टम एंड प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन। हर कंपनी का HR का सेटअप होने के बाद सिस्टम को सेट करना होता है, और सिस्टम को सेट करने के लिए हर डिपार्टमेंट का SOP बनता है। तो SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, इस काम को इस पद्धति से किया जाएगा, और वो प्रोसेस डेवलप होने के बाद हम उनके वहाँ मीटिंग करते हैं, उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से टीम को मिलते हैं, उनको SOP हम हैंडओवर करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, और वीकली मीटिंग और मंथली मीटिंग में उसका रिव्यू लिया जाता है और उनको पूछा जाता है कि ये सही है या इसमें और कोई इम्प्लीमेंट करना है, तो उस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और जो सिस्टम और प्रोसेस को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है, हम वहाँ पर उनको अवार्ड रिवॉर्ड प्लान करते हैं। तो वीकली उनको कुछ मिलता है, मंथली उनको कुछ मिलता है, तो बाकी लोगों में भी एक्साइटमेंट बढ़ता है कि मुझे भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर आता है ट्रेनिंग, यहाँ पर भी हम ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड करते हैं एज पर डिमांड या एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग मैनेजमेंट, जो लास्ट टाइम मैंने सेल्स वाले में बताया कि मार्केटिंग कैसे किया जाता है, उसके आइडियाज़, सेल्स को कैसे बढ़ाया जाता है उसके आइडियाज़। तो हम लोगों को आइडियाज़ देते हैं कि सर आपकी प्रोडक्ट ये है, आपका TG ये होना चाहिए, उसके हिसाब से आपके मार्केटिंग के ये तौर तरीके होने चाहिए। तो 10-15 स्ट्रेटजी के ऊपर बात होती है, फिर अगला डिसाइड करता है कि मुझे ये वाले में जाना। फिर हम यहाँ पर कस्टमर मैनेजमेंट करते हैं, जो हमने सेल्स में किया। CRM प्रोसेस हम डेवलप करते हैं, CRM का सॉफ्टवेयर हम लोगों को लेने के लिए बोलते हैं, उसका प्रैक्टिस हम वहाँ पर करवाते हैं। उसके बाद आता है सेल्स मैनेजमेंट। तो सेल्स मैनेजमेंट के अंदर जैसे मैंने बताया, सेल्स की पूरी फनल बनाकर हम उनको देते हैं, पूरी सिस्टम बनाकर उनको देते हैं, और उस सिस्टम के हिसाब से जितना वो इनपुट डालेंगे उतना उनका आउटपुट मिलना चाहिए। और लास्ट में हम यहाँ डेवलप करते हैं सर्विस मैनेजमेंट। सर्विस मैनेजमेंट के अंदर पर्टिकुलर उनकी टीम में, मतलब बहुत सारी कंपनियों के अंदर सर्विस का डिपार्टमेंट ही नहीं होता है,
तो पहले तो सर्विस का डिपार्टमेंट हम लेकर आते हैं, उसमें एक पर्सन को बिठाते हैं और उसको बोलते हैं कि आपको कस्टमर का टाइम टू टाइम फीडबैक लेना है और उस फीडबैक के अंदर जो जो चीज़ें वो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बता रहा है वो सारी की सारी प्रोसेस चाहे HR के साथ, चाहे मैनेजर के साथ या चाहे लीडर के साथ आपको बात करके आपकी कंपनी में इतना चेंजेस करना है और डीपली जाकर हम पूरा उनको क्लियर करवाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग। ये मिनिमम 6 महीने से लेके 8 महीने से लेके साल भर होता है और इसका पैकेज हम स्टार्ट करते हैं 5 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक। अब बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि जो बेसिक लेवल से ऊपर निकल चुकी होती है। पुराना बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग जो मैंने आप लोगों को बताया वो उन लोगों को दिया जाता है जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा का हो, 20 करोड़ से ज़्यादा का हो और मिनिमम 50 करोड़ या 100 करोड़ तक हो। अब ये स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग उन कंपनियों के लिए होती है जिनका टर्नओवर मिनिमम 50, 100 या 100 से ज़्यादा हो, जिसके वहाँ सिस्टम मैनेजमेंट सेट हो चुका है, जिसके वहाँ कंपनी ऑटो मोड में चली गई है, सभी डिपार्टमेंट ERP के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि एक प्लान बढ़िया चल रहा है अब उसको दूसरा प्लांट करना है, एक फैक्ट्री बढ़िया चल रही है उसको और 2 फैक्ट्री का एक्सपेंशन करना है, एक शोरूम बढ़िया चल रहा है उसको 10 शोरूम चालू करने, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अच्छा चल रहा है उसको और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करने हैं, एक जगह वो अच्छी तरीके से वेंडर और डीलर को समझा रहा है या सर्विस दे पा रहा है उसको पान इंडिया जाना है, इंडिया के बाहर जाना है। तो इस लेवल पर जिस कंपनी पहुंच गई होती है उनको हम देते हैं स्ट्रेटेजिक कंसल्ट। तो ये स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग के अंदर भी सबसे पहले हम पूरे बिजनेस का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर उनके साथ बैठकर प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग क्या करते हैं, ऑलरेडी उनके पास प्लान होता ही है, उनके पास प्लान क्या होता है, उनको 5000 करोड़ की कंपनी बनानी होती है और ऑलरेडी उनकी कंपनी 500 करोड़ की होती है। ऐसी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ और ऐसी कंपनियों के साथ हम काम कर रहे हैं यही चीज़ के ऊपर। तो अब उनको हम क्या करते हैं, रिवर्स प्लान करवाते हैं और रिवर्स प्लान करवाने का मतलब बड़े प्लान को माइक्रो प्लान में कन्वर्ट करते हैं और माइक्रो प्लान के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब 5 साल का विजन मेरा 1 साल में कैसे मैं पूरा करूँ। तो 5 साल में मुझे अगर 1000 करोड़ पर जाना है तो पहले साल मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, 100 करोड़ जाना पड़ेगा, दूसरे साल 200 करोड़, फिर तीसरे साल 4 करोड़ या 400 करोड़, फिर 800 करोड़, फिर 1000 करोड़। तो उस तरीके से उनका एक्सपेंशन बढ़ना चाहिए। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर उसका कॉस्ट वर्सेस प्रॉफिट मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि जब एक जॉइंट कंपनी बन गई होती है, जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चुकी होती है, वहाँ पर टीम ज़्यादा होती है, मशीन ज़्यादा होती है, काम करने की तकनीक ज़्यादा होती है, तो खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खर्चे को जब बहुत ज़्यादा बार जब हम एक्सपेंशन कर लेते हैं तो वहाँ पर खर्चे कम करना भी प्रॉफिट बढ़ाने का काम करता है। तो वहाँ पर हम कॉस्ट कटिंग करवाते हैं। जैसे कि एक कंपनी के अंदर हमने काम किया जो मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रोडक्ट को, तो जिस प्रोडक्ट का वो मैन्युफैक्चरिंग करती थी उसका यूनिट जो था उनका, तो यूनिट के अंदर होता ये था कि जब 40 लोगों की उनकी टीम थी तब भी उतना ही प्रोडक्शन होता था, अभी 120 लोगों की टीम हो गई है, प्रोडक्शन अभी उतना का उतना ही है, बड़ा नहीं। तो हमने जब एनालिसिस किया और पता लगाया कि पर पर्सन प्रोडक्शन कॉस्ट कितना जा रहा है, तो हमें पता ये चला कि लोग 8 घंटे में से 4 घंटे काम कर रहे, 4 घंटे मजे कर रहे, टाइम पास कर रहे और दिन खत्म कर रहे, और सबकी सैलरी क्या है, फिक्स है, 20-25-30 हज़ार फिक्स मिल रहा है तो मुझे मेरा दिन ख़त्म करना है, ये वाला उनका माइंडसेट है। तो हमने क्या किया, वहाँ पर एक स्ट्रैटर्जी अपनाई और लोगों को बोला कि अब फिक्स के अंदर रहने वाले लोग रहेंगे 50%, बाकी के जो 50% है जो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आ रही है तो अब उन लोगों को पर पीस दाम मिलेगा कि पूरे महीने में जितना प्रोडक्शन वो करेंगे उसका उनको रिटर्न दिया जाएगा। तो फिर हुआ क्या, 6 महीने के अंदर फिक्स सैलरी करने वाले जो लोग थे या कमाने वाले लोग थे उनसे ज़्यादा इनकम होने चालू हो गए जिनका पर प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्टिंग था। तो
तो ऑनर को ये पता चल गया कि ये लोग प्रॉपर अपना 100% दे नहीं पा रहे क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, और जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम दे दिया उसने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो कंपनी की जो सैलरी जो वो 20-30 लाख रुपया दे रही थी वो कम होके 10 लाख हो गई, और बाकी का भी उसको 20 लाख देना पड़ा, लेकिन 20 लाख देने के सामने सामने वाले ने उनको उतना करोड़ का प्रॉफिट भी करके दे दिया। ये अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होता जाएगा, क्योंकि पर पर्सन कंपनी का एक कॉस्ट लगता है। आज आप अगर गुरुकुल के अंदर काम कर रहे हो, आज आपने पूरे दिन में कुछ किया नहीं या नहीं किया, आपको पर डे का जो सैलरी देना है वो देना ही है, जिसको हम कहते हैं कंपनी के फिक्स कॉस्ट। तो जो फिक्स कॉस्ट होता है उसके सामने फिक्स प्रॉफिट जब नहीं होता है तो कंपनी की बैलेंस शीट हिलती है, और कंपनी प्रॉफिट में जाने की जगह लॉस में जाना शुरू होती है। तो ये पूरा का पूरा हमने सेट किया। फिर आता है लीन मैनेजमेंट। लीन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब प्रोडक्शन की प्रोसेस कहीं पर करनी होती है, ये बड़ी बड़ी जॉइंट कंपनी की बात कर रहा हूं, तो उसके वहां एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए, और पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होने चाहिए, टाइमलाइन के साथ होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियों के अंदर जब यूनिट बढ़ जाते हैं तो वहां पर यूनिट को प्रॉपर सेटअप नहीं किया जाता है। मतलब अगर प्रोडक्शन की प्रोसेस में 10 एक्टिविटी करनी है तो 10ों की 10 एक्टिविटी अलग अलग जगह चल रही होती है। तो हमारा काम क्या होता है, लीन मैनेजमेंट करके हम सारी प्रोसेस को ए बी सी डी के क्रमांक में सेट करते हैं, और ए बी सी डी के क्रमांक में जब सारी चीजें सेट होती है लोगों का टाइम बचता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने का आधा घंटा लगता है, 15 मिनट चला जाता है, और ऐसा अगर वो 10 बार कर लिया तो उसका एक घंटा खाली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने आने में चला जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या होता है, कार अगर बनानी है तो कार किस तरीके से बन सकती है कि कार के जितने भी स्पेयर पार्ट आते हैं उसको एक लाइन में सेट कर दो, और बारी बारी से जब जिसके पास कार का जो पार्ट आएगा उसको उसको फिट करना है, और फाइनल के अंदर क्या रहेगा, प्रॉपर कार तैयार होकर निकल जाए। और कंपनियों के अंदर क्या होता है कि कार की कांच अगर यहाँ लग रही है तो उसके पहिए लगाने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, पहिए लगने के बाद उसके शीशे के ऊपर अगर कुछ लगाना है तो उसके लिए आगे आना पड़ेगा, उसके बाद उसमें गियर बॉक्स डालना है तो बीच में आना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें होती है, उसके कारण टाइम ज़्यादा जाता है और प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो ये सारी चीज़ों को सेटअप करने का काम लीन मैनेजमेंट का होता है कि पूरी लीन सेट की जाए। और लीन मैनेजमेंट का दूसरा फायदा ये होता है कि फेल जो प्रोडक्ट हो जाती है या रॉन्ग प्रोडक्ट जो बन जाती है या क्या बोल सकते हैं, पीस जब तैयार होता है तो दो तरीका का पीस होता है, एक फाइनल पीस होता है और रिजेक्टिव पीस होता है। तो रिजेक्शन का रेशियो कम होना शुरू होता है, रिजेक्टिव माल कम होता है। नहीं तो होता क्या है, कंपनी को माल बनाने का कॉस्ट लगेगा, फिर गलत माल अगर बन गया तो उसको फिर से फिल्टर में लाने का कॉस्ट और लगेगा, तो यह खर्चे डबल हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को मैनेज करने का काम वहाँ होता है, और इन सभी चीज़ों को करने के लिए उसके बाद वाली प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं फाइएस। फाइएस प्रोसेस के अंदर हर कंपनी जब आप देखते हो तो कुछ कंपनियों के बोर्ड ही नहीं होते, कुछ कंपनी में पता ही नहीं होता ऑफिस कहाँ पर है, ऑनर कहाँ पर है, टीम कहाँ पर है, डिपार्टमेंट कहाँ पर है, और कुछ कंपनी में जब आप जाते हो ना तो सब चीज़ें सेटअप होती हैं, बराबर। तो हर चीज़ों को प्रॉपर से सेट करना, सेट करके उसको क्लीन करना, क्लीन करके उसका फीडबैक लेना, फीडबैक लेकर उसको फिर फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना, ये पूरा का पूरा फाइएस का तरीका होता है। शॉर्टिंग करना होता है, सेटिंग करना होता है, स्टैंडर्डाइज करना होता है, ये उसके नम्स में आपको बता रहा हूं। तो ये सारी चीजों को सेटअप करने का काम फाइएस होता है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करवाते हैं। और जामनगर के अंदर एक कंपनी के अंदर फाइएस की प्रैक्टिस करके हमने कंपनी का टर्नओवर बहुत अच्छा करवा दिया, खाली फाइएस की प्रैक्टिस करवा दो। उसके बाद आता है ब्रांडिंग स्ट्रेटर्जी। बहुत सारी कंपनियों ने मार्केटिंग कर लिया होता है तो अपने सिटी के राजा होते,
लेकिन गांव में अता पता नहीं होता है या बाहर शहरों में अता पता नहीं होता है, तो उनको ब्रांडिंग कैसे करना है। बहुत सारी कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ के हो गए होते हैं, लेकिन उसका ऑनर जो होता है वो लगता नहीं है 100 करोड़ का मालिक है। उसकी टीम लगती नहीं है कि 100 करोड़ की टीम है, उसकी ऑफिस लगती नहीं है 100 करोड़ की है। तो यहाँ पर ब्रांडिंग जो होता है वो हर जगह लागू पड़ता है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो सब जगह पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग में क्या क्या उनको करने की आवश्यकता है उसको बिल्ड करके क्लियर करवाने का काम हम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद होता है बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी, पूरे साल उनको कितना टर्नओवर करना है, किस तरीके से करना है वो डिफाइन करते हैं। हर डिपार्टमेंट का SOP बनता है, SOP के ऊपर हम वीडियो शूट करते हैं, वीडियो शूट करके हम उनको हैंडओवर करते हैं और उनके पास हर डिपार्टमेंट को चलाने का टूल्स आ गया होता है, तो वो हम यहाँ पर बिल्ड करके देते हैं। और लास्ट में आता है बिजनेस एक्सपांशन स्ट्रेटजी। गुजरात में बढ़िया चल रहा है, अभी मुंबई करना है। मुंबई में बढ़िया चल रहा है, अभी साउथ में करना है। ऑल ओवर इंडिया बढ़िया चल रहा है, अभी अफ्रीका करना है। तो ऐसे भी लोगों के कंसल्ट होते हैं, तो उन लोगों के साथ बैठकर उनके पूरे बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए हम उनके साथ जुड़ते हैं और वहाँ पर उनको डेवलप करने का काम हम करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये 5 प्रोडक्ट है, ये टोटल 5 प्रोडक्ट हम अलग अलग तरीके से डिवाइस करते हैं। ये 5 प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसिंग हमने रखे हुए हैं। ये प्राइसिंग आज से तकरीबन 2 साल पहले के है जब हमने ये सारी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया था। अभी ये सारे प्राइसिंग जो है वो कस्टमाइज हो चुके हैं, तो अपडेट हो चुके हैं सारे के सारे अमाउंट, क्योंकि तब काम करने वाली हमारी 5 लोगों की टीम थी, अभी हमारे साथ काम करने वाली 45 लोगों की टीम। अब हम बात करते हैं कि सर्विस हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, बराबर। ये खाली आपको समझना है, नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सर्विस डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन खाली आपको एक गोथ्रू करवा देता हूँ। जब पर्सनल काउंसलिंग हम स्टार्ट करते हैं तो मंथली मीटिंग होती है प्रिंसिपल कंसल्टेंट के साथ, उसके बाद मंथली विजिट होती है और रिव्यू होता है कंसल्टेंट के साथ वीकली, और मीटिंग होती है मंथली 3 विद बिजनेस कंसल्टेंट के साथ गुरुकुल ऑफिस। मतलब ये पूरा वीकली काम होता है, कंसल्टेंट उनको एक बार मिलता है महीने के अंदर, वो टास्क अलोकेट कर देता है, फिर वीकली मीटिंग होती है जहाँ पर रिव्यूअर उनके वहाँ जाएंगे और जो कस्टमर है वो अपने वहाँ भी आ सकते हैं। इतनी प्रोसेस यहाँ पर होती है, बराबर। सेकंड प्रोसेस होती है HR कंसल्टिंग। तो HR कंसल्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं, मंथली मीटिंग होती है प्रिंसिपल कंसल्ट के साथ, मंथली 3 मीटिंग होती है बिजनेस कंसल्टेंट के साथ गुरुकुल ऑफिस के ऊपर, और मंथली 1 ट्रेनिंग सेशन होता है 3 महीने के अंदर। तो ये भी पूरा कस्टमाइज ही रहता है अधिकतर। वीकली हम काम करते हैं, अभी हमारा काम करने का जो तौर तरीका होता है, और टास्क टू टास्क हम चलते हैं कि एक टास्क खत्म हो गया दूसरे टास्क पर हम जाते हैं। ये हमारा सेल्स कंसल्टिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मंथली 2 मीटिंग होती है प्रिंसिपल कंसल्ट के साथ, मंथली 3 मीटिंग होती है बिजनेस कंसल्टेंट के साथ गुरुकुल की ऑफिस पे, और मंथली 3 ट्रेनिंग सेशन होते हैं मंथ में 3 बार, टोटल 4 महीने से लेके 6 महीने के लिए। फिर होती है बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग। तो बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर 2 विजिट होती है मंथली प्रिंसिपल कंसल्टेंट के साथ, मंथली 2 विजिट होती है बिजनेस कंसल्टेंट के साथ, मंथली 2 मीटिंग होती है गुरुकुल ऑफिस के ऊपर। HR कंसल्टेंट 8 बार विजिट करता है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, और LDP के पहले 5 सेशन हुआ करते थे, अभी 4 हो चुके हैं, 5 को हमने समराइज कर लिया, तो वो करना रहता है इसके अंदर। फिर GFM के सेशन होते हैं, तो जो गुरुकुल फॉर मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स की कैटेगरीज होती है, उनको भी हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। उसके बाद स्टाफ ट्रेनिंग होती है, मिनिमम ऑफिस स्टाफ अगर है उसके हिसाब से, और लेबर है उसके हिसाब से, और सेल्स टीम है तो उसके हिसाब से। उसके बाद होता है बिजनेस कंसल्टिंग, स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग। तो इसमें भी 2 विजिट होती है प्रिंसिपल कंसल्टिंग की, 2 विजिट होती है बिजनेस कंसल्टिंग की, 2 मीटिंग होती है गुरुकुल ऑफिस के ऊपर, 8 विजिट हो जाती है LDP, GFM और स्टाफ ट्रेनिंग, एज पर रिक्वायरमेंट हम करते हैं।
और कस्टमाइज सपोर्ट जो होते हैं इसमें इतनी चीज़ें अपने करते हैं, जिसमें अपना बिजनेस एनालिसिस हो गया, बिजनेस प्लानिंग हो गया, पर्सनल कोचिंग हो गया, टीम डेवलपमेंट और ट्रेनिंग हो गया, और मार्केटिंग और ब्रांडिंग हो गया। मतलब कुछ कंपनियों को ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसको कस्टमाइज ज़रूरत है, तो उसको जितना चाहिए उतना भी हम देते हैं कि मारे आ बधुँ करवूँ ज नहीं, मारे खाली शू करवूँ छे, टीम ने ट्रेनिंग करवी छे, या मुझे टीम को ट्रेन करना है, उतना ही मुझे करना है, बाकी कुछ नहीं करना, तो वो भी हम करवाते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा है? हम कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर सपोर्ट लिए बगैर ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, और एज अ कंसल्टेंट हमारा काम होता है किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उनको सपोर्ट करना, तो हम किसी की भी कंपनी के सपोर्टिव पार्टनर होते हैं, गैप पार्टनर होते हैं, ग्रोथ पार्टनर होते हैं। हम इस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि सर हम आपकी कंपनी के ग्रोथ पार्टनर हैं, हम आपकी कंपनी के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम आपकी कंपनी के गैप पार्टनर हैं। जैसे कि आज सचिन तेंदुलकर अगर सचिन तेंदुलकर बना है तो किस चीज के कारण? क्योंकि उनके पास गुरु थे। कौन थे? पता है नाम? पता है कि सचिन आज सचिन क्यों बना? तो जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर कामयाब है या सक्सेस की डेफिनेशन में है, बहुत कम लोगों को ये पता है कि उनके पीछे किसी का हाथ रहा है। तो ये तेंदुलकर जी के गुरु हैं जिनके पास से सीखकर तेंदुलकर तेंदुलकर बने। और कभी मौका मिले तो इनकी बायोग्राफी पढ़ना, पता चलेगा कि सचिन क्यों सचिन कहलाता है। बहुत बढ़िया बायोग्राफी है उनकी, मूवीज़ भी आई है उसके ऊपर। सानिया मिर्ज़ा जानते हो? कौन से स्पोर्ट में है? टेनिस। उनके कौन है कोच? तो आज इसलिए वो अपनी इतनी सक्सेस के करीब पहुंचे हुए हैं। उसके बाद इनको जानते हो? एक्टर है। ओके, ये एक्टर है या क्या है पता नहीं, मेरे लिए ये आइडल है। ये ऐसी शख्सियत है जिसकी एक कंपनी नहीं है, दो कंपनी नहीं है, 10 कंपनी नहीं है, 100 कंपनी नहीं है, टोटल 400 कंपनी है, और 400 कंपनी के ये मालिक है जिनका नाम उनके ऊपर लिखा हुआ है। क्या नाम है? रिचर्ड ब्रांसन। उनके भी और इनको भी जानते होंगे? ये दोनों के कंसल्टेंट हैं, ये दोनों के गुरु हैं, ये जिनका फोटो शायद अपनी तरह दिखता है, कंसल्टेंट की तरह दिखता है, फॉरेन के है ना। तो ये लोग इतने कामयाब हुए हैं उसके पीछे भी कोई है, उनके भी गुरु है, मतलब कहने का मतलब ये है। गूगल को जानते हैं? इनके भी गुरु है। मतलब गुरु बोलने का मतलब यहाँ के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी उनकी लैंग्वेज में उसको वो कंसल्टेंट बोलते हैं। तो हर कामयाब इंसान के पीछे किसी का हाथ होता है, और वो होता है, इनको भी जानते हो आप, ये इंडिया के हैं, इनके भी गुरु है। ये भी आज के टाइम में कंसल्टिंग करते हैं। बहुत लोगों को लगता है जियो ऐसा ही आ गया मार्केट में, इनको तो जानते ही है, इनके भी गुरु है। मतलब भगवान अगर बनना है ना तो भगवान के पास भी गुरु है, तो हम तो इंसान हैं, क्योंकि लास्ट में जो आएगा ना वो फोटो आएगा हमारा। तो सवाल ये है, ये फोटो आपका है, आपके कौन, आपके मेंटर कौन, आपके गुरु कौन, या आप अपनी जिंदगी में किसकी तरह बनना चाहते हो, या आप किसके पास से नॉलेज लेना चाहते हो। तो आज तो कोई है या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन अब गुरुकुल में आ गए हो तो गुरुकुल आपके लिए ये रोल प्ले करेगा, क्योंकि गुरुकुल का काम ही है। क्लियर? सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम अपना सेशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, और आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने गुरुकुल के बारे में बताई, और गुरुकुल की पूरी सर्विसेज के बारे में डीपली मैंने आप लोगों को नॉलेज दिया। अब यहाँ ऑलरेडी 5 बजने का टाइम अपना हो चुका है, तो आगे अब अपने वीकली मीटिंग जो है, अगर सब लोग आ गए हैं तो यहीं पर प्लान करते हैं, एज इट इज़ सेटअप करके।
ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।